हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का वीवीएस वाणिज्य क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो क्लास है वो है अमीबिय पेचिस एमबैसिस। तो जो आपका सवाल रहेगा कि अमीबिय पेचिस क्या है, इनके कारक, इनके लक्षण, इनके संचरण और इनके रोकथाम को बताइए। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो आज हम बात कर रहे हैं एम्बायसिस पर, जिसको कहा जाता है अमीबिय पेचिस। चलिए हम बात कर रहे हैं अमीबिय पेचिस के एम्बायसिस का। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें बता दें कि जो अमीबिय पेचिस है, इनका जो खोज किया एक रूस का वैज्ञानिक था जिसका नाम है लॉस। एक रूस के वैज्ञानिक थे, ये रूस के रहने वाले थे। तो बोले क्या कि ये जो एमबैसिस जो है, इनका जो खोज किया वो लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1873 में, यानी कि सबसे पहला जो केस मिला था वो फिलीपींस में मिला था। वो केस जो मिला था फिलीपींस में, और रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसी का नाम था लॉस, उन्होंने 1873 में जो है इनका पता लगाया। तो बोले कि आपको पूछा जाएगा कि एम्बायसिस जो है, ये अमीबिय पेचिस जो है, इसका खोज किसने किया, इनका डिस्कवर किसने किया। तो इनका जो खोज किया वो लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1873 में, जो रूस के रहने वाले थे, और फिलीपींस में सबसे पहला केस मिला था। हम बोले क्या कि एम्बायसिस जो है, अमीबिय पेचिस जो है, यह लॉस नामक वैज्ञानिक ने, बोले अमीबिय पेचिस का जो खोज किया वो लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1873 ईस्वी में किया था। हम बोले आपको क्या कि अमीबिय पेचिस जो है, इनका जो खोज किया वो लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1873 ईस्वी में। अब जो आपको बता रहे हैं कि इनका कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है और ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जिनसे मौत बहुत जल्दी हो जाए या कम समय में इनकी मौत हो जाए, इतना ये खतरनाक बीमारी नहीं है, उतना घातक बीमारी नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम जो है इनके बारे में अब चर्चा करेंगे कि ये जो एम्बायसिस जो अमीबिय पेचिस जो है, ये अमीबिय पेचिस का सवाल आप लोगों को किस तरह से आएगा। तो आपको बोले सबसे पहले कि आएगा अमीबिय पेचिस है क्या, इनका जो कारक है मतलब किनके द्वारा होता है, उनके बाद जो है इनका जो लक्षण है, सिम्टम्स, उसके बाद फिर उनका जो संचरण है, फिर उनका रोकथाम। आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि एग्जाम में कुछ जरूरी नहीं है कि पूरा फूल रहेगा कि लक्षण लिखने के लिए, या तो फिर इनका जो है संचरण लिखने के लिए, रोकथाम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई एक पार्ट भी दो नंबर में, तीन नंबर में पूछ सकता है, केवल हो सकता है इनका रोकथाम पूछ दे कि अमीबिय पेचिस क्या है, मतलब इसका कारक है, इनके रोकथाम को बताइए। ये तो ये भी पूछ सकता है कि अमीबिय पेचिस के कारक और इनके लक्षण को बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि वो फूल में फूल आपको जो बता रहे वो ही पूछेगा, है ना, उनको तोड़ के भी पूछ सकता है ये। चलिए तो हम आप बात करेंगे कि अमीबिय पेचिस पहले। तो आपको हम बता दें कि अमीबिय पेचिस का खोज जो है लॉस नामक वैज्ञानिक, ने 1873 में किया। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ। बोले कि प्रोटोजोआ ये भी जो है एक सूक्ष्म जीव है, तो आपको यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटोजोआ यहां पर हम लिखे हुए हैं, तो इनका हम आपको अर्थ थोड़ा बता देते हैं। देखिए, ये प्रोटोजोआ, दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है प्रो, मतलब होता है फर्स्ट, मतलब पहला, अजोआ, मतलब होता है एनिमल, मतलब ऐसा जंतु जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया हो। बोले ऐसी जंतु जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया हो उसे प्रोटोजोआ कहा जाता है ना, मतलब ये माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जीव आया हुआ है वो प्रोटोजोआ है। वो क्या है? प्रोटोजोआ। चलिए खैर यहाँ पर हम बात करेंगे जिस चीज पर, जो मुद्दा पे वो है अलग। हम बात कर रहे हैं किसका? अमीबिय पेचिस, के बारे में, एम्बायसिस के बारे में। तब ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि अमीबिय पेचिस जो या प्रोटोजोआ के द्वारा, ये किसके द्वारा? प्रोटोजोआ,
बोले कि अमीबिया पेचिस जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली संक्रामक रोग है। सबसे बालपन में क्या बोले, बोले अमीबिया पेचिस जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। चलिए अब जो प्रोटोजोआ के द्वारा हुआ उस प्रोटोजोआ का कुछ नाम होगा, उसी प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। बोले क्या जो अमीबा पेचिस होती है ये एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। बोले क्या ये जो एमएससीस है जो अमीबा पेचिस है ये किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। बोले एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। आपको बता दिए कि सबसे पहले कि एम्बायोसिस हो क्या होता क्या है, तो एम्बायोसिस हम आपको बोले कि यह एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अगला पॉइंट बोले कि ये जो एम्बायोसिस है ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा आप लोग अमीबा का तो नाम सुने होंगे, तो वही अमीबा है, उसी अमीबा में एक जो है जिनका नाम क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिका, और ये जो है प्रोटोजोआ के द्वारा जो है एम्बायोसिस होती है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें होता क्या है और ये किस तरह से हम लोगों के लिए हानिकारक कैसे है, कैसे हम लोगों को ये हमारे शरीर में हम लोगों शरीर में जो संक्रमित कौन सा भाग करता है क्या हम लोगों को क्षति पहुंचाती है, उस चीज के बारे में जानते हैं। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिका अपने शरीर से एक एंजाइम स्रावित करते हैं। बोले एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है ये अपने शरीर से एक एंजाइम का स्रावित करता है, एंजाइम का स्रावित करती है, उसी एंजाइम का नाम है हेल्यूरोनिडेज। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, हेल्यूरोनिडेज ये एक एंजाइम का नाम है। बोले क्या हेल्यूरोनिडेज जो एंजाइम है ये एंजाइम एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या बोले एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक जो ये प्रोटोजोआ है इनसे ये एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हाई एल्यूरोनिडेज। क्या नाम हाई एल्यूरोनिडेज जो है ये एक एंजाइम है, हाई एल्यूरोनिडेज जो है ये एंजाइम है और ये एंजाइम बहुत ही खतरनाक काम करता है। खतरनाक क्या करता है, ये हमारे पेट के जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो हमारी जो बड़ी आंत है बड़ी आंत का जो स्तर होता है उनको ये क्षय करने लगता है। आप गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत का, इस तरह का जब पाचन तंत्र आपके पेट के अंदर में, इस तरह आप लोगों को पाचन तंत्र में आप लोग पढ़े भी होंगे, इस तरह के जो है फिर यहाँ पर जो है बाहर निकलते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है इनका जो दीवार है इन दीवार को ये क्या करता है क्षय कर देता है। ये जो एंजाइम जो है ये एंजाइम क्या करता है इनको इनके दीवार को क्षय करने लगता है, इनके दीवार को नष्ट करने लगता है और ये दीवार पूरा तरह से क्या करता है पूरा एकदम इसको क्षय कर देते हैं, इसमें अल्सर उत्पन्न कर देते हैं और इनको पूरी तरह से ये क्या करता है क्षय कर देता है। ये जो एंजाइम है ये इनको पूरी तरह से क्षय कर देता है। क्षय करने के बाद क्या होता है वो वहां पर घाव बन जाते हैं एक तरह से, तो घाव बन जाता है फिर उनसे जो ब्लड निकलने लगता है ना, तो ब्लड निकलने लगता है तो उनमें जब घाव बन जाते हैं अल्सर हो जाते हैं तो उसी के दरमियान हमारे पेट में दर्द होते हैं, उसी दरमियान जो है हमारे पेट में ऐठन होता है, उसी दरमियान में जो जब आप लोगों को लैट्रिन होंगे या जब आपके शरीर से मल बाहर निकलेगा तो उस टाइम मल के साथ में ब्लड निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो है
ब्लड निकलते हैं, तो वह ब्लड मल के साथ में जो है वो बाहर निकलेंगे, है ना। उसी दरमियान में क्या होगा, आपका शरीर पूरी तरह से सुस्त पड़ जाएगा, डल हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, है ना। और उसी दरमियान में क्या हो जाएगा कि जब आपको पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से फैल जाएगा तो आपका जो आंख है, आंख के चारों तरफ जो है वो काला धब्बा पड़ जाएगा, आंख के चारों तरफ जो है वो काला धब्बा पड़ जाएगा। तो हम बोले क्या कि ये जो बड़ी आंख जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वही बोले कि इनको संक्रमित कर देता है। वही आपको बोले हम कि अमीबिया पेचिस जो है यह एक प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, उसी वो उस प्रोटोजुआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम प्रोटोजुआ है। इस प्रोटोजुआ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हेल्यूरोनिडेज। क्या नाम है? हेल्यूरोनिडेज। एक एंजाइम निकलती है और ये एंजाइम जो है लार्ज इंटेस्टाइन को, मतलब बड़ी आंत को जो है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के जो दीवार है उसको क्षय कर देती है। क्षय करने से क्या होता है, इसमें अल्सर उत्पन्न हो जाती है, इसमें ब्लड निकलने लगती है और जो बहुत पेट में दर्द होने के साथ जो है पेट में ऐठन भी होती है। चलिए, अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये आपके शरीर में घुसने के बाद ये करेगा, लेकिन ये आपके शरीर में घुसेगा कैसे, आएगा कहां से, तो आप लोगों को हम बता दें, एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, एंट में जो हिस्टोलिका है ये गंदे पानी में ज्यादातर ये गंदे पानी में पाई जाती है। तो आपको बता देते हैं कि हम लोग जो है ज्यादातर अभी के समय में हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जहां पर गंदे पानी है, तो गंदे पानी पर मक्खियां, गंदे पानी जो है वहां पर उसके आसपास मक्खियां बैठते हैं, जो है जहां पर गंदे पानी वहां पर जो है तिलचट्टे सब जाते हैं, है ना, कॉकरोच जाते हैं वहां पर, और फिर वही कॉकरोच हो गया, फिर जो वही मक्खियां जो हो गए हमारे घर में आते हैं, हमारे भोजन पर बैठते हैं। इसके अलावे जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, बाजार के जो भोजन खाते हैं, बाजार में जो भोजन जो रखे हुए रहते हैं जिसमें बहुत सारे धूलकण पड़ते हैं, बहुत सारे मक्खियां उसके ऊपर बैठते हैं, और वो जो मक्खियां जो गंदे पानी के पास से जो आए हुए हैं, कहीं पर लेटरिन पर जो बैठे हुए हैं ना, तो वहां से जो है वो मक्खियां वो बाजार के भोजन पर जो बैठा हुआ है, जब उनको हम लोग खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाते हैं और वो इन्फेक्शन कहां पर करते जाके, तो बड़ी आंत में, तब जाके ये बीमारी हम लोगों को होती है। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि बाजार के जो भोजन है उनसे दूर रहना है। ऐसा नहीं हम बोले फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, ये नहीं बोले, फास्ट फूड अपने घर में भी तो बना के खा सकते हैं ना, तो इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए कि बाजार के भोजन को खाने से बचे। और अक्सर क्या कहते हैं हम लोग गंदे पानी क्या कहते हैं ज्यादातर पी लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जब खाते हैं, अभी के टाइम में सबको तीता पसंद है ना, तो वो लोग क्या करते हैं खाना नाश्ता दुकान में करते हैं, फिर उनके बाद दरमियान तुरंत जो है पानी पीते हैं, तो उनका बहुत बड़ा जार रहता है, मतलब कि महीनों से सालों भर से उनको ठीक से साफ नहीं किया हुआ है जार को, और फिर वही जार में पानी डाल रहे हैं, और फिर उनको क्या करते हैं उनसे पीते हैं, तो उनमें जो ठीक से उनको पानी साफ नहीं हो पाता है, ठीक से उनको साफ नहीं किया जाता है, तो उसमें एंट हिस्टोलिका बन जाते हैं और फिर वो जो है हमारे भोजन के उस पानी के जरिए हमारे पेट के अंदर जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब अगले क्या बोले कि एमएलसीज जो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका जो संक्रमण काल है वह 2 से 4 सप्ताह के होते हैं, 2 से 4 सप्ताह का होता है। मतलब ये एंट हिस्टोलिका आपके शरीर में घुसेगा तो ये 2 से 4 सप्ताह के अंदर में ये अपना लक्षण दिखाई देगा, इससे पहले नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 2 से 4 सप्ताह के अंदर जो है आपको ये अंदर में इन्फेक्शन करेंगे उनके बाद। तो आपको बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी का जो है बड़ी आंत संक्रमित होते हैं, इस बीमारी से ग्रसित आदमी का जो है वो बड़ी आंत संक्रमित होती है। ठीक है, चलिए, यहां पर आपको हम पूरी अमीबिया पेचिस के बारे में बताए। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम इनके लक्षण पर, इनका क्या क्या सिम्टम्स है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इनका जो लक्षण है, सबसे पहला पॉइंट है बोले कि पेट में दर्द कराना, पेट में ऐठन का होना, शरीर का सुस्त पड़ जाना, इसके अलावे मल के साथ रक्त का निकलना, मल के साथ खून का, मल मतलब लैट्रिन का बात कर रहे हैं, लैट्रिन के साथ जो है खून, स्टूल के साथ, पैखाना के साथ में खून निकलेगा, है ना। इनके अलावे जो है कि आंख के चारों ओर जो है काला धब्बा पड़ जाएगा, काला धब्बा दिखाई देगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं इनका क्या क्या लक्षण सिम्टम है। सबसे पहले पेट में दर्द का होना, दूसरा पॉइंट पेट में जो है ऐठन भी होगा, यानी कि पेट में क्या होगा, ऐठन होगा, शरीर जो सुस्त पड़ जाएगा, शरीर में थकावट महसूस होगा, है ना, शरीर में एकदम वीकनेस दिखा आपको नजर आएगा, मतलब होगा, महसूस होगा ये। चलिए, तो आगे आपको क्या बोले कि इनमें
उनके बाद क्या बोले आपको कि जो आपके स्टूल जो लेटरिन जो करेंगे उनके सब ब्लर निकलेगा, है ना। और अगला पॉइंट बोले आंख के जो चारों ओर जो है काला धब्बा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका लक्षण भी बता दिए, अब हम बात करें इनका संचरण की फैलता कैसे है। बात करें इनका संचरण का या फैलते कैसे, सबसे पहले बता दें आपको घरेलू मक्खी और कॉकरोच, है ना, तेलचट्टे जिसको बोलते हैं तेलचट्टा। तो हम बोले क्या क्या कि घरेलू मक्खी और तेलचट्टे के द्वारा जो है ये फैलता है, ये इनका जो संचरण होता है ये इसके द्वारा। दूसरा गंदे पानी से, गंदे भोजन से, है ना, मतलब क्या दूषित जल से या दूषित भोजन से भी ये फैलती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या बोले, सबसे पहला पॉइंट में घरेलू मक्खी हो गया और कॉकरोच के द्वारा जो है ये फैलती है। दूसरा क्या बोले आपको कि दूषित भोजन और दूषित जल से। चलिए आपको ये जो है इनका संचरण बता दिया, अभी इनका रोकथाम। अब इनका जो हम रोकथाम का बात करें इसको जरा ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ही कमाल का चीज है। रोकथाम में सबसे पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि सबसे पहला पॉइंट में बोलेंगे इनके रोकथाम में कि आप लोग जो भोजन का उपयोग करेंगे, बाजार बाजार का जो भोजन, बाजार में जो फास्ट फूड मिलेंगे, जो बाजार के जो भोजन रहेंगे उनको खाने से बचना है। बाजार के जो भोजन है उनको खाने से क्या होना, हमको बचना है। दूसरा दूषित जल पीने से बचना है, दूषित जल क्या करना नहीं पीना है। दूसरा दूषित भोजन भी नहीं खाना है ना, दूषित भोजन क्या करना नहीं खाना है, दूषित जल भी नहीं पीना है, दूषित भोजन भी नहीं खाना है, और बाजार के भोजन को खाने से बिल्कुल बचना है। चलिए अब आगे क्या बोले आपको, अगला बोले क्या कि सब्जी और फल को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। बोले हम क्या कि बहुत सारे ऐसे सभी आदमी हम देखे हुए हैं मार्केट में कि खीरा खरीदने गए, खीरा कहां पर धोया हुआ है, कौन नदी के पानी से धोया हुआ है, किस तालाब के पानी से धोया है, ये पता नहीं है कि कहां से लाया हुआ है। बस बाजार में खरीद रहे हैं, खरीदने के साथ साथ जैसे अपना थैला में बैग में भरा और फिर वहीं से जो खाना शुरू कर दिया। ज्यादातर ये जो है हटिया हो गया, मार्केट हो गया, ये सब में ज्यादा ये सब चीज होता है। तो इस सबको हम ध्यान देने के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि फल हो गया, सब्जी हो गया, इनको अच्छी तरह से पहले धोना चाहिए, उनके बाद खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम आपको क्या बोले कि आप जो घर में भोजन जो पक रहा है, आपका भोजन जो आपका सीज रहा है, पक रहा है, उनको अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। बहुत क्या होता है कि कच्चा जो है, कच्चा जो अध कच्चा रह जाता है, फिर उनको खाते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम आपके सामने में आ जाते हैं, है ना। तो उनको क्या करना है, उनको पूरी तरह से जो उनको पकाकर खाना चाहिए, समझे ना। क्योंकि उनके अगर 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 वो प्रोटोजोआ यदि वो भोजन पे आ भी गया है तो अगर अध पका हुआ ठीक से पका नहीं तो उनमें क्या रहता है कि ये जीवित रह जाते हैं और फिर वो हम खाने के बाद वो हमारे से प्रवेश करता है, फिर हमको लॉस करता है, ठीक है। तो जब वो पूरा पक जाएगा, जब पूरा पक जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ज्यादा पकेगा तो उनके वो जो है वो डेथ कर जाएगा, तो वो जो है मतलब वो एक्शन नहीं कर पाएगा अपना और हम लोगों को किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। चलिए तो हम बात यहाँ पर बताए, अब अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जो है जल्द से जल्द एमेटिन का जो है, एमेटिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। ये एक इंजेक्शन आता है एमेटिन का, ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन इनका लगवाना चाहिए, बहुत जल्द आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले क्या इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी उनको क्या करना, एमेटिन नाम का जो है एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल में मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या बोले, अगर आप ये एमेटिन का उपयोग नहीं करते हैं तो इनके जगह पर जो है कुछ टैबलेट्स आते हैं, वो दवाई है तो उनको यूज कर सकते हैं, ये आसानी से आपका ठीक हो जाएगा। हम बोले क्या कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी की जो है निम्न दवाई आपको देनी है। सबसे पहला नंबर जो है मेट्रोजी, इनको देनी है, मेट्रोजी हो गया। दूसरा जो नॉर्फ्लॉक्स, नॉर्फ्लॉक्स ये जो है ये भी देनी है। ये दवाई देनी है आपको। और एक आता है जीनोफॉर्म, ऐसे आपका ये तीनों आप देने के बाद जो है आपका पूरी कंट्रोल हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक है। मेट्रोजिल हो गया, नॉर्फ्लॉक्स हो गया, जीनोफॉर्म हो गया, ये दवाई देने के बाद जो है उनके जो अभी भी पेचीसा है वो आपका।
खत्म हो जाएगा, उसमें आराम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से इनका अमीबियोपेचिस का पूरी जानकारी आपको दे दिए, कैसे इनसे कैसे फैलता है, कैसे इनका संचरण होता है, कैसे इनका लक्षण होता है, क्या क्या होता है लक्षण, फिर ये कैसे इनसे रोकथाम कर सकते हैं, कौन सी दवाई खानी। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो आप लोगों को ये पूरी अमीबियोपेचिस आप लोगों का कम्प्लीट हो गया।